मेरा नाम भव्या सेठी है, मैं भवन विद्यालय चंडीगढ़ सेक्टर 27 में पढ़ती हूँ, क्लास 12th ग्रेड। ये कैसे आपको आइडिया आया कि ये चीज़ करनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स? मेरे को हमेशा बचपन से कुछ ऐसी, मैं हमेशा पार्ट लेती थी, जैसे किसी के बेटरमेंट के लिए, किसी के लिए हेल्प करने के लिए मैं बचपन से करते आ रही हूँ। पर इस इवेंट के लेके जो थ्रिप्सेल फंड रेजर है उसको लेकर मेरा बहुत आइडिया क्रिएट हुआ था पिछले साल, तो हम उस पिछले साल से इस पर काम कर रहे हैं, पर हमने इस साल इस पर एक्शन लिया और इससे हमारे को जितने भी हमारे प्रोसीड्स आएंगे, जितने भी हमारे डोनेशंस आएंगी, उस मनी के साथ हम चिल्ड्रन की, अंडर प्रिविलेज किड्स की स्पॉन्सर करेंगे एजुकेशन, और जितने भी बच्चे वहाँ पर हैं हमारे सर्वोदय फाउंडेशन के अंदर, हम उन वो 70 बच्चों को हम बुक्स के साथ प्रोवाइड करेंगे, जितनी भी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उनको पे करेंगे। मेरा नाम है गौरी चोपड़ा, आई एम बेसिकली मैं लॉयर एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन ये एनजीओ का काम वॉज ऑलवेज माई ड्रीम प्रोजेक्ट। मैं छोटे होते से मेरी मम्मा, मेरी मदर का भी एनजीओ है, चैरिटी ट्रस्ट है, उनके साथ काम करती आ रही थी, बट अब बड़े होते हुए आई जस्ट थॉट कि मैं इसको आगे लाइक थोड़ा बढ़ा सकूँ। इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं स्पेशली रूरल एरियाज़ में, जिनके पास, जिन्हें पढ़ने का शौक़ है लेकिन उनके पास कोई वे नहीं है, तरीका नहीं है पढ़ने का, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है। तो हमारा ये एम है कि इस चैरिटी फंड रेजर से हम बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर करें और साथ में उनको जितने असेंशियल्स हैं एजुकेशन के वो भी प्रोवाइड कर सकें, जैसे कि किताबें, पेन, कॉपी, सारा कुछ जो हो सकता है, ताकि उन जिनको शौक़ है पढ़ के कुछ आगे निकलने का, वो इन वजहों से पीछे ना रह सके कि फाइनेंशियल कंडीशन ने अलाउ नहीं करा, या मतलब यू नो इन वजहों से वो आगे नहीं पढ़ पाए। तो और हमारा इसमें ये एक है एम कि हम सिर्फ थ्रिफ्ट नहीं करेंगे, थ्रिफ्ट में एक स्टॉल है जहाँ पे आप आके अपनी डोनेशंस दे सकते हैं और हम उसको आगे सेल करके उससे प्रोसीड्स लाएंगे, बट हमारा ये एम था, माइंडसेट था कि हम जितने तरीक़ों से लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं करें। तो हम इसमें बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस भी ला रहे हैं जहाँ पे उनके थ्रू वहाँ की सेल्स होएगी, वो प्रोसीड्स वहाँ जाएंगी। एक ऑर्गेनिक ब्रांड आ रहा है जो सारी मैन्युफैक्चरिंग भी रूरल लेडीज़ कर रही हैं हरियाणा में, ऑर्गेनिका सर्व ऑर्गेनिका करके, एंड फूड ब्रांड्स लाइक सुपर डोनट्स, बेसिकली जितना भी हो सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस उनके लिए, कि जितने ब्रांड्स आएँ अपनी कॉस्टिंग निकालें ताकि उन्हें कोई लॉस ना हो, बट जितना भी प्रोसीड्स और उनके प्रॉफिट्स इकट्ठे हों वो सारे चैरिटी में जा सके। तो अगर आपके पास डोनेशन भी नहीं है तो सिर्फ वहाँ आके आप एक डिफरेंस कर सकते हैं सिर्फ आपकी प्रेजेंस से। एक तो हमारे पास कपड़े होंगे, क्लोदिंग आइटम्स होंगे, ज्वेलरी एक्सेसरीज होंगी, हमारे पास डिफरेंट लाइक शूज़ एक्सेसरीज, बुक्स एंड ऑल ऐसे होंगे हमारे पास वहाँ पर, एंड हमारे पास दूसरे स्टॉल्स लगेंगे जो स्मॉल बिजनेसेस वाले भी हैं, और हमारे पास वहाँ पर एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे आर्ट थेरेपी करवा रहे हैं वहाँ पर, पॉटरी हो रही है, और लाइव म्यूज़िक, लाइव बैंड भी हो रहा है, उसके लिए भी है हमारे पास वहाँ पर। कहाँ पे हो रहा है ये, उसके डिटेल्स बता दीजिए। ये सेक्टर द ब्रिटिश स्कूल सेक्टर 44 भी चंडीगढ़ में हो रहा है, ये 19 अगस्त को होएगा 4 से 9 के बीच में। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास डोनेशंस हैं तो आप डोनेशन करने आ सकते हैं, अगर आपके पास डोनेशन नहीं है तो आप वहाँ पे आके सिर्फ आके एंटरटेनमेंट से कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा ऑर्गेनिक ब्रांड है, वो अपनी ऑर्गेनिक खुद की बनाई प्रोडक्ट्स, हल्दी दाल सब लाएगा, तो कुछ इतना खरीद के भी आप बहुत चेंज ला सकते हैं, लाइक समथिंग बेसिक एज दिस, ये भी खरीद के आप लाइक बहुत हेल्प कर सकते हैं सबको। लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जो यंग गर्ल्स हैं या बॉयज़ भी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, बिकॉज इस तरीके का इनिशिएटिव इवन द एल्डर्स वो भी सोचते हैं 10 बार कि हम क्या करें नहीं करें, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे टू इम्प्रूव द सोशल कंडीशंस ऑफ इंडिया?
मेरा ऐसे ही मानना है कि मेरे को बचपन से ही था कि मेरे को कुछ करना है लोगों के लिए. मेरे को अब जाके जब मेरे में थोड़ी सी नॉलेज आई है, थोड़ी अवेयरनेस आई है खुद से, तो अब मैंने एक स्टेप टूवर्ड्स एक लिया है अपने लिए कि मैं दूसरों के लिए भी कुछ करूं और सबको एक कुछ अपने सोसाइटी को देने के लिए. इफ़ द सोसाइटी इज़ गिविंग यू समथिंग तो यू नीड टू गिव इट बैक. तो किसी वेज में आप किसी भी तरह से हेल्प करो लोगों की, तो वो आपके लिए भी बेटरमेंट होता है, सोसाइटी के लिए भी बेटरमेंट होता है. एंड दिस इज़ वन थिंग आई लाइक टू ऐड. जैसे आपने कहा कि यंग जनरेशन को क्या करना कहना चाहेंगे, इट इज़ कि जो यंग जनरेशन है जितना चेंज वो ला सकती है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल हो सकता है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज, हमारी एनर्जी, हमारा काम करने का सब कुछ जो है, तो जितने यंग लोग जुड़ें उतना बहुत बेटर होगा सोसाइटी के लिए.